वो जो मुर्गा है उसके जान जो है कभी भी जा सकता है, उसके जान का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तो देख लो इधर है अजगर और उधर है मुर्गा, तो बेचारे के मन में डर है। घुसने के लिए टिकट लेना पड़ा 10 रुपये का, तो चलो हम दिखाते हैं। तो गाइस वेलकम टू स्नैक होम, चलो दिखा रहे हैं स्नैक को। ये देखो हलाल के लिए मुर्गे रख दिए गए हैं, और ये देखो ये है अजगर, और इसका ये लिखा हुआ भी है देख सकते हो, इंडियन रॉक पाइथन है, ठीक है। और इसका अलग ही मंजर है, और ये देखो ये कौन सा है, ये रेड स्नैक है, यानी कि हम जो थावन बोलते हैं। और देखो भाई कितने नज़दीक से हम दिखा रहे हैं आपको, और एक जो है उधर पे है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, एक उधर पे है घड़े में घुसे हुए हैं, और एक इधर भी है। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम हम इतने मोटे देख रहे हैं, इतने बड़े देख रहे हैं। रेड पाइथन यानी कि थामन है, और ये देखो बिल्ली सांप, बिल्ली सांप, बिल्ली सांप, ओ और देख सकते हो बिल्कुल ग्रीन सा होता है। और देखो एक ये है, और इसका भी साइन बोर्ड्स है कॉमन कैट स्नैक, ठीक है। और एक इधर देखो, और ये हैं दो मुहा सांप, दो मुंह वाले सांप है। तो एक्चुअली ये जो है बॉक्स में बंद है, और आप देख सकते हो, तो फिलहाल ये जो एक ही लग रहे हैं क्या भाई, एक ही है। तो वीडियो में बने रहिएगा, और भी स्नैक दिखाना बाकी है, तो चलो लेट किए बिना दिखाते हैं आपको। और इससे कौन वाकिफ नहीं होगा दोस्त, क्योंकि धारीदार क्रेत है, और जिसे हम लोग ऐसे गांव देहात में कटवार भी कहते हैं। तो ये देखो ये है स्नैक, धारीदार क्रेत जिसको बोलते हैं। और दूसरा स्नैक देख लो, क्रिकेट स्नैक, ओ गॉड, ये देखो क्रिकेट स्नैक है, और ये जो है सारे शीशे में पैक हैं। और देख लो फर्स्ट टाइम इतने नज़दीक पे हैं इसके, पता नहीं चल रहा है कि उस पर डर है या हम पे डर है। तो ये देखो वो का जो है घर बना दिया है, बना दिया गया है ताकि निकल नहीं सके कहीं से। और गाइस भागते भागते इतना थक चुका हूँ कि पूरा पसीना आ रहा है, तो फिलहाल चलो पसीने को बाद में पहले स्नैक दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे तो कोई साइन बोर्ड है नहीं, बट यहाँ पे एक जो है अजगर की तरह है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। और बाद व्यक्ति तो मैं उसे पहचानता नहीं हूँ, इधर पे भी कुछ है नहीं, और इधर पे भी एक स्नैक है, ओ गॉड, यहाँ पे देखो। अब साइन बोर्ड तो लगे नहीं है, लेकिन देखो पहली बार हम इतने नज़दीक से सांप को देख रहे हैं। ओ ये तो कोबरा है भाई, कोबरा है देख लो, जिसे हम नागराज कहते हैं, ये छोटे वाले हैं वो बड़े वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक तरफ को कंप्लीट कर लिया, दूसरी तरफ को हम दिखाते हैं आपको, तो चलो देखते हैं। और ये देखो ये है अजगर की तरह, ये कितने बड़े सारे हैं देख लो। यहाँ पे साइन बोर्ड्स नहीं है, तो सॉरी माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको नाम नहीं बता पा रहा, क्योंकि इस तरह के सारे बहुत सारे हैं। ये शायद अजगर हैं देख लो, अजगर ही हैं। और देखो और वो जो मुर्गा है उसके जान जो है कभी भी जा सकता है, उसके जान का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देख लो इधर है अजगर और उधर है मुर्गा, तो बेचारे के मन में डर है। चलो और दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस एक यहाँ पे है कोबरा, ठीक है, एक नहीं दो है यहाँ पे। अच्छा है। और यहाँ पे देखो दो मुहा सांप है, दो मुँह सब यानी दो मुँह है एक सांप का, देख सकते हो एक मुँह इधर है और एक मुँह इधर है, ठीक है, पीछे तरफ मुँह होते हैं क्या भाई, नहीं नहीं वो सामने से ही दो मुँह है देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो इसका साइन बोर्ड, ठीक है, दो मुँह है। और यहाँ देख लो भारतीय नाग, ओ भाई सांप यहाँ पे ये छुपे हुए हैं, तो पहले भी दिखा है अभी भी दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखो और एक यहाँ पे है इनका साइन बोर्ड्स,
भारतीय नाग, इन भारतीय नाग, और दोबैया देख लो गाइस, यही है दोबैया सांप। तो सारे एक जैसे लगते हैं लेकिन एक है नहीं, सभी जो है अलग अलग होते हैं। तो एक वहाँ पे है और दूसरी तरफ देखो ये है करेत, जो करेत से सभी वाकिफ़ हैं। इंडिया का सबसे जहरीला सांप जो है वो करेत होता है, कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये देखो ये है करेत, इसके डसने से सभी इंसान बचते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, नागों से भी ज़्यादा, क्योंकि इसके गाँट गाँट पे जहर होता है। और देखो, और इधर हम आ चुके हैं, फिर से भारतीय नाग है, और वो देखो वहाँ पे वो आराम फरमा रहा है बर्फदार, ठीक है। और फिलहाल यहाँ तो ये पूरा स्नैक हाउस का तस्वीर है, देख सकते हो कितने सारे पर्यटक हैं। तो गाइस चलो, एक जो है ना उधर पे कुछ लग रहा है मुझे, तो चलो देखते हैं उस कंपार्ट को दिया गया है, तो चलो बाहर चलेंगे और दूसरा कुछ दिखाते हैं। मम्मा, तो अब चलो हम निकलेंगे बाहर, शाम होने को आई है और अब कुछ देर में क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट रह गया है क्लोज होने पे। तो अभी भी मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं रहा देखने को, यदि होंगे भी तो बहुत कम रह गए होंगे देखने को। तो आई होप कि गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आता है ब्लॉग को जरूर लाइक करेंगे, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना इस तरह के वीडियोस लाते हैं और हर एक वीडियो जो है यूज़फुल होते हैं। तो आशा करते हैं सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।